मेरे मित्र माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, स्किल डेवलपमेंट तथा आईटी के मंत्री, मेरे सहयोगी आदरणीय मित्र राजीव चंद्रशेखर जी, दूरसंचार में जुड़े आसाम के माननीय शिक्षा स्किल मंत्री, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तथा स्किल डिपार्टमेंट के मंत्री जयंत मालबरुआ जी, नागालैंड के एडवाइजर विधायक श्री मोत सिंह लोंगकुमार जी, सिक्किम के माननीय मंत्री श्री भीम होंग लिम्बो जी, यहां उपस्थित सभी महानुभव, विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए अधिकारी मित्रगण, पत्रकार मित्रगण, हमें बहुत कुछ विषय नया जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पिछले एक घंटे से लगभग एक कल्पना, राज्यों की योजना क्या है, भारत सरकार की योजना क्या है और कहां ये योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या होगा, उसमें बेनिफिट क्या होगा और उसकी रोड मैप क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल एक रोड मैप हम लोगों के सामने है। अभी समय है उसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कराना। योजनाएं तो अच्छा बन जाती है, इस प्रकार की इवेंट में वीडियो के माध्यम से वो अच्छा दिख भी जाता है, लेकिन इसको अच्छा नहीं दिखाना है, उसको अच्छा करना है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं विभाग को, इन्होंने पूरा तो अच्छा किया कि नहीं किया भी नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा तो अच्छा किया है, नहीं तो ये बच्चियों को कैसे लाते। आज हमारी नॉर्थ ईस्ट की छोटे बच्चे नर्सिंग पढ़ने के बाद जापानीज लैंग्वेज सीख रहे हैं, ऐसे कहा गया, वो सच है ना? अच्छा, जापानीज में नमस्कार बोलो, तो सच में सीखे हुए हैं ये सब। जापान जाएंगे, हम सभी के दायित्व है। अभी शायद इसी सप्ताह में ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ मिनिस्टर भी मिलने आ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, वहां भी हमारी बच्चों को भेजा जाएगा। हमारी एक बड़ा नेटवर्क बन रहा है गल्फ कंट्रीज में, वहां ऐसे ही हमारे भारत के बच्चे जा रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम पे, पैरामेडिक्स पे। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे, अमेरिका में उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ यही विषय बात करके आए कि हमारे देश की जो टैलेंट है, हमारे देश की जो कैपेसिटी है, हमारे देश की आवश्यकता में लगे, उसके साथ साथ दुनिया की आवश्यकता में लगे, इसलिए पीएम साहब ने इसको विजन एनविजन किया है, इंडिया विल बी द स्किल कैपिटल, स्किल हब ऑफ द एंटायर ग्लोब। हमारे पास वो ताकत है, हमारी नई पीढ़ी के पास वो ताकत है। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में आज बहुत प्रसन्न हूं, इसकी शुरुआत थोड़ा देरी हुई है, 2023-24 की एकेडमिक तथा फाइनेंशियल ईयर में आज हम एक क्वार्टर जाने के बाद मिल रहे हैं, लेकिन अगस्त महीने में सब अच्छे चीज होते हैं। अगस्त महीने में अगस्त क्रांति भी होती है, क्विट इंडिया मूवमेंट कल से शुरू हुई थी 1942 में। हमारे देश में बेरोजगारी को क्विट इंडिया करानी है, हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2047 तक विकसित भारत करेंगे, डेवलप्ड कंट्री हम बनेंगे, आत्मनिर्भर होंगे, दो शब्द कहा है, डेवलप्ड कंट्री, आत्मनिर्भर, ये बिना स्किल डेवलपमेंट के हो ही नहीं सकता है। आत्मनिर्भर कैसे होंगे, अगर हम स्किल होंगे तो भी तो काम मिलेगा, तभी तो आत्मनिर्भर होंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे तभी तो देश की अर्थनीति बड़ा होगा, विकसित होंगे। विकसित अर्थ सिर्फ अर्थनीतिक पैमाने में नहीं है, पैरामीटर्स में नहीं है, विकसित यानी हम होलिस्टिक विकसित होंगे। इसलिए मित्रों, आज नॉर्थ ईस्ट में 360 करोड़ रुपया खर्चा करके अतुल जी ने एक कोऑर्डिनेशन बनाई है, 2.5 लाख बच्चों को ट्रेन करने के लिए इसी साल, ये फिर चलते रहेगा ऐसा तो नहीं है ना,
पक्का इसी सालों का, तो सारे जो एजेंसी काम कर रहे हैं उसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैंने अनुरोध किया किशन रेड्डी जी को, क्या डोनर विभाग उस विषय में थोड़ा हमारी मदद करेगा? उन्होंने कहा निश्चित रूप में मदद करेंगे। तो डोनर को भी मैं एडवांस धन्यवाद देता हूं, वो भी 360 करोड़ रुपया को बढ़ाएंगे, 360 करोड़ रुपया की प्लस होगा। आज वो विभाग को दायित्व तो देंगे, फिर हमारे अतुल जी बात करेंगे, मिलकर काम करेंगे। उसके अलावा भारत सरकार के अन्य विभाग, जैसे आईटी मिनिस्ट्री की डिजिटल लिटरेसी की भी कुछ पेंडिंग व्यवस्था है। राजीव जी, हमारे इन दिनों में देश विदेश की बहुत सारे आईटी कंपनियों से बात कर रहे हैं। उन्होंने एक ही सत्र का, जो हमारे देश में आईटी मार्केट की एक्सेस लेना चाहते हैं उनको हमारी बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। यही है ना राजीव जी, अभी हमारी देश में जो देश की इंडस्ट्री है, ये तो हमने अपना सरकारी स्पेंडिंग की बात कहा, अभी अभी आसाम सिक्किम और नागालैंड और अन्य विभागों को सुन रहे थे, अन्य राज्यों को सुन रहे थे, उनकी भी स्टेट बजट से प्लान है। भारत सरकार पैसा खर्चा करेगी, विभिन्न विभागों से पैसा खर्चा करेगी, राज्य सरकारें पैसा खर्चा करेंगे, इंडस्ट्री भी पैसा खर्चा करेगा। ये सब मिलके नॉर्थ ईस्ट में, और उसको कौन कहां होगा, जन शिक्षण संस्थान में होगा, पीएम केके में होगा, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में होगा, आईटीआई में होगा, पॉलिटेक्निक में होगा, एआईसीटी की चेयरमैन यहां बैठे, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाया जाएगा, आईआईटी के मैंने देखा डायरेक्टर गुवाहाटी के वहां बैठे थे, आज बैठे हैं कहीं सभा में गुवाहाटी में, उनके वहां भी आईआईटी में भी नॉर्थ ईस्ट की स्टूडेंट्स को एडवांस एरिया की स्किलिंग किया जाएगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी की स्किलिंग किया जाएगा। मैंने देखा है आईआईटी गुवाहाटी के ड्रोन इंक्यूबेशन सेंटर में ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस स्टेज पे है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में किया जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न के सारे इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ही उनको तैयार करवाया जाएगा। किशन जी, टूरिज्म डिपार्टमेंट के मंत्री, मैं विशेष करके टूरिज्म कल्चर दोनों को मैं निवेदन करूंगा, आप डोनर की तो थोड़ा पैसा दोगे ही दोगे, लेकिन आपकी जो एक्सपर्टाइज है दोनों विभागों में, टूरिज्म और कल्चर में, नंबर आपके ऊपर मैं किशन जी छोड़ता हूं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है नॉर्थ ईस्ट की स्टूडेंट्स में कल्चरल इतने डीप रूटेड है। हम ये कोरिया की कौन सी अच्छे ब्रांड बैंड बजता है, बच्चे बच्चे कहें कौन सा है, अरे आप उसी को दिन भर सुनते रहते हो, क्या है वो, बीटीएस, बीटीएस ना, मैंने ठीक कहा तो, मैं भी खुद स्किल हो रहा हूं। देखो बीटीएस से हमारे बच्चे कोई कम नहीं होंगे आने वाले दिनों में, हम ऐसे ही प्लान करें, कल्चर डिपार्टमेंट उसमें स्पेंडिंग करें, टूरिज्म डिपार्टमेंट थोड़ा स्पेंडिंग करें, दुनिया की बेहतरीन स्किल कैपेसिटी बढ़ाने वाले लोगों को हम नॉर्थ ईस्ट में 5 सेंटर ऐसे चलाएं जिसमें हमारे बच्चे अच्छे बैंक चला सकते हैं, देश दुनिया में कॉम्पिटेंसी के नाम नाम कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के हर एक जिले में एक टूरिस्ट पॉइंट है, हम ऐसे कुछ स्किल मिनिस्ट्री और अन्य विभागों से मिलकर बात करें कि अगर नॉर्थ ईस्ट के हर एक जिले की एक फोटो कंपटीशन किया जाएगा, जितने आज तो फोटो कैमरा की कोई अभाव नहीं, हर एक फोन पे कैमरा है, उस कैमरा में अगर हम एक कंपटीशन करते हैं, स्किल कंपटीशन करते हैं, और उसको अच्छे फोटो को एक सर्टिफिकेट देते हैं, ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं, अभी आईएनबी मिनिस्ट्री ने एबीजीसी की कोर्स चलाने वाला है, इसलिए बाउंड्री की बाहर, कलसी जी और सीताराम जी दोनों बैठे हैं, आप दोनों ऐसे हाथ ढीला किए हो और ढीला करिए, आप ही के बिना तो हमारा चारा नहीं, अगर इसको आप कोर्स नहीं मानोगे हम चला ही नहीं सकते हैं। लेकिन बच्चों की रुचि कहां है, बच्चों की रुचि के हिसाब से पॉलिसी को बनाओ। मैं आज भी देख रहा था वहां ब्यूटी पार्लर का अभी भी स्किल के साथ जुड़ा हुआ है, अरे तो वही है, सब लोग करते हैं, उसके आगे जाइए। एआई का आपने लिख दिया लेकिन एआई के इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाया, एक छोटा सा वीडियो बनाओ,
ये कैपेसिटी बिल्डिंग के काम हम करें आने वाले दिनों में। मैं इसलिए आज आप सभी को बधाई देता हूं, इस दूर संचार में समूचा 8 अष्टलक्ष्मी की जो इलाका कहा गया, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, मैं यंगस्टर्स को मैं शुभेच्छा देता हूं, बेस्ट विशेष देता हूं। उन लोगों को आने वाले दिनों में 1,000 करोड़ रुपया की स्पेंडिंग में इसी साल स्किलिंग कैपेसिटी करवाया जाएगा, उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा, उनको जॉब में प्लेसमेंट कराने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट बनाया जाएगा। इसमें सभी लोगों की कोऑपरेशन चाहिए। मैं आज के उत्सव में इतना ही कहके मेरे वक्तव्य समाप्त करता हूं, और अनेक टैलेंट है, सभी को अपस्किल, रीस्किल और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रोसेस में जोड़ने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुभेच्छा।